हेलो एवरीवन, दिस इज़ रक्षा ज़ेब एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज़रक क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे गिलास फ्रंट। आज का हमारा जो टाइटल टॉपिक है वो है गिलास फ्रंट। वीडियो एंड तक देखा करें और लाइक कमेंट जरूर की करें। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सलैब को ओपन करना है और यहाँ पर आपने नेम टाइप कर लेना है। कोई भी आप नेम टाइप कर सकते हैं। मैंने ये नेम टाइप कर लिया है। अब आपने आना है ए बी वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपने लगाना है फॉन्ट्स। ठीक है, कोई भी आप फॉन्ट्स लगा सकते हैं। मैंने ये वाला फॉन्ट्स लगा लिया है। फॉन्ट्स लगाने के बाद अगला जो हमारा काम है वो है ऊपर पीएनजी ऐड करना या कोई डिज़ाइन वगैरह आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक जल्दी जल्दी में पीएनजी ऐड कर लूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पीएनजी भी ऐड कर लिया। हर वीडियो में मैंने ये तरीका मतलब बताया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने ये बात आप लोगों को नहीं बताई, लेकिन ये ईजी, बिल्कुल ईजी है, इतना मुश्किल नहीं। आपने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना, या डिब्बे से बने यहाँ पर आना है। यहाँ पर ऊपर कार्ड्स मैंने सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव एज इमेज पर क्लिक करने के बाद आपने करना कि डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आपको ऑप्शन शो होगा अल्ट्रा का, अल्ट्रा रखकर सेव टू गैलरी कर देना है। अब आपने आना है पी एस टच में। तो फ्रेंड, यहाँ पर पी एस टच में मैं आ गई हूँ। यहाँ पर पिक भी मैंने ऐड कर ली और नेम भी ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने पिक ऐड करने का भी और नेम ऐड करने का भी तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो कमेंट्स करके बता दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब आपने करना क्या, पहली लेयर की दो डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है, टोटल तीन लेयर होगी। यार, मैं स्टेप बाय स्टेप हर वीडियोस में आपको बताता हूँ। ठीक है, ये भी स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क इतना है मैंने पी एस टच में आपको तरीका नहीं बताया, क्योंकि आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं वो ये सब बात जानते हैं ऑलरेडी से। ठीक है, जो न्यू सब्सक्राइबर व्यूअर्स आएगा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सब कुछ गाइड कर दूंगा। एफएक्स में जाना है, बेसिक में आना है और लाइट में आ जाना है। सर्कल को पकड़कर ऊपर दे जाना, इसको फुल ब्लैक कर देना है। प्लस के साथ ये देखना एकन है, यहाँ पर ब्लेंड मूड वाले ऑप्शन में इसको सिंपली स्क्रीन कर देना है। सेकंड लेयर में आना है, एफएक्स में जाना है और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। 155 पे इसका एंगल रखना है, 5 पे ब्लर और जो डिस्टेंस है ये 6 पे रख लेनी है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपने इसका ब्लेंड मूड मल्टीप्लाई कर लेना है। थर्ड वाली लेयर में आ जाना है, एफएक्स में जाना है और बेवल में आ जाना है। कलर आपने ब्लैक कर लेना है, एंगल इसका 148 पे सेट करना है और जो इसका ब्लर और डिस्टेंस है ना ये फॉन्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, ये आप जितना भी रखना चाहें। ये मैं रखूँगा 70 पे ब्लर और जो डिस्टेंस है ये भी मैं रखूँगा 60 पे। ठीक है, अब आपने इस पर बेवल लगाते जाना है। ठीक है, एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, तीन दफ़ा हो गया, चार दफ़ा हो गया, जितनी दफ़ा आप बेवल लगाना चाहें आप रन लगा सकते हैं। मैं 6 दफ़ा लगाऊंगा, आप काम ये ज़्यादा रख सकते हैं। अब आपने करना क्या, आपने फ्रेंड इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लैनियर डॉट्स कर देना है। ठीक है, लैनियर डॉट्स कर दिया। अब आपने यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट रखना है, टू लाइंस में आना है। आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आपने करना है कि एडजस्टमेंट में रह कर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तकरीबन 12 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऊपर हैं, यहाँ पर मिडिल में 4 हैं, नीचे आपने इस वाले ऑप्शन में आना है। ठीक है, कार्व्स में। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पर कर देना है, तकरीबन कुछ इस टाइप का आपने बना लेना है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड, आप जैसे भी इसको शेप वगैरह देना चाहें आप फ्रेंड बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद आपने करना है कि एफएक्स में जाना है और टेंट में आ जाना है। टेंट में आपने कलर कोई भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, मैं ये वाला कलर अप्लाई करूँगा। इस पर मैं 2-3 दफ़ा टेंट लगा दूँ, 2 दफ़ा होगी, ये 3 दफ़ा होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा आपने फर्स्ट लेयर में आ जाना है, एफएक्स में जाना है और ग्लो में आ जाना है। ठीक है, ग्लो में आने के बाद 0.6 इसका ब्लर रखना है, कलर वाइट कर लेना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर सेकंड लेयर में आना है। ठीक है, यहाँ पर आपने करना है क्या है, आपने ये देखना अभी तक इसमें कलर बिल्कुल जो है ना फ्रेंड, यहाँ जैसे ये पेक हाइड करेंगे ना ये कितना प्यारा लगेगा। ठीक है, आप इसका ब्लेंड मोड यहाँ से ओवरले कर देंगे तो ये देखना आप प्यारा लग रहा है। ठीक है, आपने इसका ब्लेंड मोड ओवरले कर देना है, सेकंड लेयर में आना है, ये आपने इस को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सॉरी, पिक्सल डी सिलेक्ट करना है। अब आपने इस ब्रश को सिलेक्ट करना है, सेकंड लेयर को सिलेक्ट, सॉरी सेकंड को नहीं, इस कलर वाले को सिलेक्ट करके ये ब्रश सिलेक्ट करना है और यहाँ ये वाला। ठीक है, ये साइड पे जो बचा हुआ है ना इस पे क्लिक कर देना है, मोड प्लस करना है यहाँ पे और यहाँ पे। अब आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, एफएक्स में जाना है, स्टाइलाइज में जाना है और यहाँ पर हाफ टून पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसका जो साइज़ है ना फ्रेंड ये आपने तकरीबन 35 पे कर देना है। एंगल जो है ना इसका ये आपने 135 पे कर देना है। एक दफ़ा हो गया, ये 2 दफ़ा हो गया, ये 3 दफ़ा हो गया, ये 4 दफ़ा हो गया। कलर 1 पे ब्लैक रखना है, कलर 2 पे वाइट रखना है। ठीक है, बाकी सेटिंग जो मैंने आपको बताई यही रखनी है। ठीक है, जहाँ तक हो गया सारे वर्ड में आपने इस तरह से कर देना है। अब आपने करना क्या है, सॉरी वो डिलीट हो गया,
तो बाकी जो डिलीट हो गया ऐसे आपने कर लेना है, ठीक है। वो जल्दी जल्दी में डिलीट हो गया, मैं फिर यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ पर हाफ टून पैटर्न लग गया, वो यार जल्दी जल्दी में थोड़ा सा डिलीट हो गई लेयर मोड से, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, मेथड तरीका यही है, ठीक है। यहाँ पर देखना लग गया, आपने इस तरह 5 दफ़ा लगाना है। अब आपने पिक्सल डी सेलेक्ट करते वक्त यहाँ पर यार क्लियर पे लग गया, ऊपर देखना डिलीट का ऑप्शन है। तो अब आपने करना है कि आपने सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, ब्रश जेड सेलेक्ट करना है, ये वाले को सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब आपने फिर पेंसिल में आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफार्म का, ठीक है। ट्रांसफार्म में आने के बाद आपने एक्सपेंड पे क्लिक कर देना, यहाँ तक हो गया, ये मिडल में सेलेक्ट हो गया पिक्सल। अब आपने करना क्या है, ठीक है, फर्स्ट लेयर में आ जाना है, यहाँ पर आना है, फिल्म स्ट्रोक में आना है और यहाँ पर नॉइज रखना है और कलर आपने फ्रेंड सिंपली यहाँ से ये वाला कर देना सियान, ठीक है। और तकरीबन आपने 29 तक कर लेना, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपका ग्लास वन रेडी है, ये आपने ऐसे सारी वर्ल्ड में कर देना है। अब आपने इसकी एक कॉपी कर देनी है, सेकंड ईयर की कॉपी करनी है और नीचे आ जाना है, नीचे वाले की भी कॉपी कर देनी है, ठीक है। अब देखना कितना शौक हो गया, ठीक है। इसका ब्लेंड डैटन रख सकते हैं, लाइनेड डॉट्स भी रखना चाहें रख सकते हैं, ओवरले भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं इसका ब्लेंड डैटन रखूँगा और इसको नीचे कर दूँगा, और इस वाले का ब्लेंड मूड भी डैटन अगर रखना चाहें रख सकते हैं, कोई भी आप इसका मैं ब्लेंड मूड ओवर दे रखें। यहाँ पर आप देखें कितना प्यारा ग्लास पॉइंट बन के डन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। फ्रेंड्स आज का हमारा बस ये था, ट्यूटोरियल का वीडियो पसंद है लाइक मिले शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।